दिस वॉज ऑल अबाउट सम सॉल्ट्स, ओके, कुछ कॉमन सॉल्ट्स थे, उनकी वो कैसे बनते हैं वो प्रोसेस थी. इसके साथ ही हमने यूजेस भी देखे, ओके. अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं क्या ये रियली ड्राई होते हैं. मेरा मतलब है कि हमने देखा था प्रीवियसली कि जो वॉशिंग सोडा है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो वो क्या है फंडा, हम यहाँ पे समझेंगे. वर्चुअल लैब टाइम, वर्चुअल लैब मतलब हम ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, ओके, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं वर्चुअली. सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं, उनको हीट करना है और उसमें क्या कलर चेंज होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है. यू कैन सी, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो क्रिस्टल्स है वो ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ऐसा क्यों होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया. फिर आप क्या करोगे, फॉर एक्सपेरिमेंट उसमें कुछ वाटर ऐड कर दोगे. तो जैसे ही आप कुछ वाटर ऐड करोगे तो वो फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है. देखो कॉपर सल्फेट जो है उसका ब्लू कलर है, वो इसीलिए होता है कि उसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब उसके क्रिस्टल्स ड्राई नहीं होते. जैसे ही उसको आप हीट करेंगे क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो क्रिस्टल्स का कलर ब्लू से चेंज होके क्या हो जाएगा, वाइट. ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. कॉपर सल्फेट, सॉरी, यस. सो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो कब ब्लू होंगे, जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा. हीटिंग से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और वापस जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर विल कम्स बैक अगेन. तो वाटर जो है सॉल्ट के अंदर जो प्रेजेंट, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. जो सॉल्ट है उसका क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सल्फर है इसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके. ये कॉपर है, ओके, कॉपर सल्फेट CuSO4, फोर ऑक्सीजन, यू कैन सी 1, 2, 3 and 4. दिस इज सल्फर, दिस इज कॉपर. उसके साथ ये जो वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. हाँ, दिस कैन बी आस्क्ड इन 3 marks. आपको ये क्वेश्चन जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और CuSO4 कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स की हमने बात की, इनको एंगेज करके, इनको कनेक्ट करके आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम. ओके, अभी हम समझेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है. देखो पहले तो हमने जो देखा ना कॉपर सल्फेट जो होता है उसके साथ एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 water molecules प्रेजेंट होते हैं. और वॉशिंग सोडा था हमने प्रीवियसली देखा ही था, एक मॉलिक्यूल के साथ 10 water molecules जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो व्हाट डू वी मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 formula unit ऑफ सॉल्ट. किसी भी सॉल्ट के 1 formula unit के साथ फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं दैट वी कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कॉपर सल्फेट में वो नंबर कितना है, 5, और वॉशिंग सोडा में वो नंबर कितना है, 10. ओके, तो आई होप कि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिलेटेड टू कॉपर सल्फेट और दैट सोडियम कार्बोनेट, यू विल बी एबल टू आंसर. ओके, कुछ अदर सॉल्ट है, कुछ कॉमन सॉल्ट है जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और दे ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जिप्सम इज वन ऑफ देम. जिप्सम जो है दैट इज CuSO4, ओके, उसके साथ 2 molecules जो है वाटर के वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जिप्सम जो है उसका यूज़ होता है
बहुत सारी चीज़ों में, ओके जिप्सम जैसे गुजराती में या तो हिंदी में चिरोड़ी भी बोला जाता है, उसको हीट करके बेसिकली जिप्सम जो है उसके हीटिंग से हमें क्या मिलता है, देखो एज वी ऑल नो कि वाटर ऑफ एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट विथ जिप्सम, राइट, जिप्सम क्रिस्टल के साथ ये प्रेजेंट होते हैं। जब हम उसे हीट करेंगे तो 1.5 जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल 2 में से हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और ये जो बना CSO4 into half H2O that is called plaster of Paris, ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो आपने सुना होगा, पता है जब फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो डॉक्टर्स जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके हमें अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह करके वो एकदम सपोर्टिव बना के देते हैं, ओके देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम के हीटिंग से बनता है, तो जब हम वाटर ऐड करेंगे वापस इसमें तो वापस ये जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम इज रॉक सॉलिड मास, वो एकदम स्ट्रॉन्ग रॉक जैसा होता है, ओके और प्लास्टर ऑफ पेरिस है जनरली पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके यूजेस कहाँ हैं, तो एक तो एज आई सेड फ्रैक्चर्स में डॉक्टर यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर द सपोर्ट। कंस्ट्रक्शन, देखो घर में सीलिंग हो, रूफ टॉप हो, या कोई भी अच्छी डिज़ाइन अगर बनाई हो सीलिंग में, ओके कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज़ करके अच्छे डिज़ाइंस वगैरह बनाया जाता है। बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल और टॉयज जो है उनकी फॉर्मेशन में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो यूज़ होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉल्ट्स के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सॉल्ट्स की बात की थी, तो ब्रीफली हम एक साथ समझ लेंगे अबाउट सॉल्ट। पहले प्रीवियसली हमने पढ़ा था पीएच ऑफ सॉल्ट, कुछ बेसिक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हमने देखी थी, ओके फिर हमने न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में समझा था, उनका स्ट्रक्चर समझा था, और आज के लेक्चर में हमने बात की थी कुछ कॉमन सॉल्ट से जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं, ओके फर्स्ट इज NaCl, NaCl का यूज़ होता है NaOH बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने में। फिर हमने देखा कि कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने देखा कि NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहे हैं, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, उनके इंडिविजुअल के यूजेस क्या होते हैं, ओके फिर हमने डिस्कस किया अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर अल्कली प्रोसेस से जो क्लोरीन मिल रहा है ऐसा प्रोडक्ट उसका यूज़ करके स्लेक लाइम के साथ मिक्स करके वी कैन फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है लर्न करने है। बेकिंग सोडा, दिस वॉज आस्क्ड इन दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों आपको बेकिंग पाउडर के बारे में तो आपको पता चला कि ये 3 मार्क्स में आया था, तो इससे आपको ये भी समझ आया होगा कि आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस और ये जो सेकेंड वाली जो प्रोसेस थी जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन और यूजेस था वो भी आपको लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके क्योंकि ये भी 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हमने बेकिंग पाउडर के यूजेस देखे, वॉशिंग सोडा के साथ साथ हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी कंसेप्ट समझा, वॉशिंग सोडा के यूजेस देखे। फिर हमने कॉपर सल्फेट, CSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, और Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों के क्रिस्टल्स जो है उसमें वाटर के जो नंबर्स प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल के जो नंबर प्रेजेंट है, ओके फिक्स नंबर जो प्रेजेंट होते हैं 1 यूनिट फॉर्मूला के साथ, ओके वो हमने डिराइव किया। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टर, सॉरी वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम की हीटिंग से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है उसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, इवॉपरेट हो जाता है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होना पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, यहाँ पे CSO4 के साथ हाफ प्रेजेंट नहीं होता,
यहाँ पे आपको सिंपली समझना है कि दो CaSO4 जो है, 2 CaSO4, उसके साथ ये फुल वन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा. दैट मीन्स 1H2O इज कनेक्टेड विथ 2 CaSO4. ओके, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल जो है वो कहीं पर भी होता नहीं है. ओके, तो ये आपको समझना है. और प्लास्टर ऑफ पैरिस के यूजेस, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ आवर चैप्टर 2, विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड